नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इमेजिनेशन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट में। तो आज हमारा एक्रेलिक टेक्निक का, ट्रांसलूसेंट टेक्निक का सेकंड पार्ट है। अब आज हमें क्या करना है कि आज हम लोग पीकॉक के इस हिस्से में काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वाइट निकाला और ब्लैक निकाला है, दो टोन। बहुत ही पतला सा सॉल्यूशन बना रहा हूँ। यहाँ पे हमें हल्की हल्की टोन लगानी है, थोड़ा वाइट सी ही टोन होती है वो, लाइट लाइट टोन लेके। अब जब ये हो जाएगा तो ये होने के बाद क्या करना है, थोड़ा डेप्थ देने के लिए हल्का हल्का ब्लैक टोन ऐड करनी है। अगर मुझे ब्लू टोन लगानी है, शार्प टोन करनी है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा थिक कलर लेके। बन गया राउंड पार्ट। क्योंकि वाटर स्टाइल में चल रहे हैं तो हम थोड़ा सा लाइट ही रखेंगे उसे। ब्लू टोन अप्लाई कर लेते हैं। हमें ब्लैक भी लगाना है तो वो भी हम हाथों हाथ लगा लेते हैं। पहले यहाँ थोड़ा साइड में रिक्वायरमेंट लग रही है। हल्का हल्का थिक टोन में और चला रहा हूँ ऊपर से, पतली पतली सी लेयर। थोड़ा एक एक जगह पे रुक के आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ नीचे जो ब्लू टोन करनी है वो हम कोबाल्ट ब्लू से कर सकते हैं। यहाँ पे सारे में एक कोबाल्ट ब्लू की टोन लगेगी क्योंकि वाटर इफेक्ट भी चाहिए। सेकंड साथ साथ में मैं हल्का हल्का वाटर भी अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे हल्का हल्का कलर आएगा, तो ग्रीन टाइप का। अगर यहाँ पे अगर पहले बेस कलर क्या क्या होता पहले वो करते हुए चलो, ब्लैक टोन अप्लाई कर दो। यहाँ पे हल्का हल्का ब्लैक ऐड करना है, थोड़ा सा मिक्स करके। अंदर कोबाल्ट ब्लू से ही हमें काम करना है इस वाले एरिया में, तो मैं इसलिए वहां नहीं छेड़ रहा अभी। अभी मैं सिर्फ इसकी टोन्स लगा रहा हूँ। हाफ सर्कल से टाइप के वो इसमें हल्के से बनाते जाओ। और यहाँ पे थोड़ा ग्रीन टोन चाहिए तो वहाँ पे फिर सैप ग्रीन ही लो प्रॉपर। इतना ज़्यादा भी पानी मत लगाना कि वो कलर ही बहता हुआ चला जाए। चलो डार्क पोर्शन से स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या फर्क आएगा। जहाँ जहाँ से हमें ग्रीन कलर लगाना है वहाँ वहाँ से हल्का हल्का इस टाइप से करके उठा लो। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा ताकि जो कलर है वो सूख ना जाए। पिछले बार के मुकाबले थोड़ा सा थिक टोन बनेगी। थोड़ा सा वाटर अप्लाई करके मेरे हिसाब से हमें दोबारा काम करना होगा। उसमें थोड़ा कोबाल्ट भी मिला लो तो वो थोड़ा उसी कलर के आसपास का रहेगा। ओवरऑल वॉल्यूम देना, ध्यान रखना कि ये लाइट रहे, थोड़ा मिडिल रहे, फिर यहाँ डार्क आ जाए। तो हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं बेसिकली। इस जगह में थोड़ा और डार्क किया जा सकता है हल्का हल्का। अभी ब्लैक भी ऐड कर देते हैं। और हल्का हल्का लगाना है, डार्क टोन लगाना है। छोटे छोटे मैं स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, लंबे लंबे। वो क्या होंगे, वो मर्ज भी हो रहे हैं हल्के हल्के और स्ट्रोक जैसा फील भी दे रहे हैं, थोड़ा सा मिक्सिंग भी कर रहे हैं। इतना करते हैं, अभी थोड़ा डार्क हल्का हल्का ऐड। तो मैंने अलग से ब्रश लिया और उसमें मैंने हल्का सा पानी लेके उससे हल्का मिक्स कर दिया। फिंगर में हल्का कलर लेके हल्का कलर उठा दो। तो फिर हम इसको ड्राई होने देते हैं और जब ये ड्राई होगा तो उसके बाद फिर थोड़ा सा डिटेलिंग वाला जो काम फिर हमें चालू करना है। तो पहले आप इतना बना लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए फिर बाय बाय।
टेक केयर।